करो। उस दुर्ग का नाम है लोहागढ़ दुर्ग, लोहागढ़ दुर्ग। लोहागढ़ दुर्ग प्राय कहाँ स्थित है? भरतपुर में। लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर में है। इस दुर्ग को किस श्रेणी के अंदर रखा जाता है? वो श्रेणी है आपके कौन सी? पारिक श्रेणी। पारिक का अर्थ यह होता है वह दुर्ग जिसके चारों ओर खाई खुदी हुई हो, उस दुर्ग को क्या कहा जाता है? पारिक दुर्ग या पारिक श्रेणी में। अतः इसको आप स्थल श्रेणी में भी रख सकते हो, क्योंकि जो लोहागढ़ दुर्ग है वो एक समतल धरातल के ऊपर बना हुआ है, इसलिए इसको हम स्थल श्रेणी के अंदर भी रखते हैं। प्राय अगर हम इसके निर्माण की बात करें, लोहागढ़ दुर्ग का जो निर्माण है वो निर्माण 1733 ईस्वी के अंदर महाराजा सूरजमल के द्वारा किया गया था। महाराजा सूरजमल के द्वारा किया गया था। महाराजा सूरजमल के द्वारा 1733 ईस्वी के अंदर इस दुर्ग का निर्माण किया गया था। और यह जो दुर्ग बना हुआ था यह राजस्थान का अजय दुर्ग कहा जाता है, यानी महाराजा सूरजमल ने इसका निर्माण इस प्रकार से किया था कि इसको कोई जीत नहीं सकता। राजस्थान के अंदर दो रियासतें हैं ऐसी जिनके ऊपर जाट शासकों ने शासन किया था, कौन सी रियासतें बताओ देखें? एक तो धौलपुर और दूसरी कौन सी? भरतपुर। धौलपुर और भरतपुर दो ऐसी रियासतें हैं जिनको जाट रियासतों के नाम से जाना जाता है और जिनके ऊपर जाट शासकों ने शासन किया था। तो इस दुर्ग के ऊपर अंग्रेजों ने भी एक बार आक्रमण किया और अंग्रेजों को इस दुर्ग को जीतने में बड़ी कठिनाई हुई थी, वो नहीं जीत पाए थे इस दुर्ग को। तो इस दुर्ग के लिए एक कहावत प्रचलित है कि आठ फिरंगी नौ गोरा और लोहागढ़ दुर्ग की दीवार पर लड़े दो जाट छोरा। तो यहाँ पर दो जाट छोरों के बारे में कहावत है कि एक है माधो सिंह और दूसरा था दुर्जन सिंह। तो दुर्जन सिंह और माधो सिंह बड़ी वीरता के साथ में उन्होंने युद्ध लड़ा और अंग्रेजों को दांतों चने चबा दिए थे। अंग्रेज इस दुर्ग को नहीं जीत पाए थे, इसीलिए उनके लिए ये कहावत प्रचलित है। अब देखो इस दुर्ग के अंदर एक बुर्ज है और उस बुर्ज का नाम है जवाहर बुर्ज। इस जवाहर बुर्ज का निर्माण किया था महाराजा जवाहर सिंह ने। उसके बाद देखिए इस दुर्ग के अंदर एक प्रमुख दरवाजा लगा हुआ है, उसको कहा जाता है अष्ट धातु दरवाजा। कहा जाता है कि 1303 ईस्वी के अंदर अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ के दुर्ग के ऊपर आक्रमण किया था और उस आक्रमण के दौरान जो लोहे से बना हुआ दुर्ग या अष्ट धातु का जो दुर्ग था, जो दरवाजा था, उस दरवाजे को वो अपने साथ ले गया था और उस दरवाजे को उसने दिल्ली का जो दुर्ग है उसके ऊपर स्थापित किया था। लेकिन उसके बाद मुगल शासकों का शासन आया और मुगल शासक जो शाहजहां था, उस शाहजहां ने इस दुर्ग को दिल्ली के मुख्य द्वार से उतार कर इसका जो दरवाजा है उसको लाल किले के ऊपर लगवाया था। लेकिन कहा जाता है कि जो महाराजा सूरजमल है उसके ऊपर अफगानों के द्वारा आक्रमण कर दिया गया था और अफगानों के द्वारा इसकी हत्या कर दी गई थी। तो सूरजमल की पत्नी थी किशोरी देवी, उस किशोरी देवी ने अपने पुत्र जवाहर सिंह से बदला लेने के लिए कहा। तो जवाहर सिंह ने दिल्ली के ऊपर आक्रमण किया और भीषण वहां पर तबाही मचाई और काफी लूटपाट की, और लूटपाट करने के पश्चात जो
लाल किले के ऊपर लगा हुआ अष्ट धातु या लोहा, लोहे का जो दरवाजा बना हुआ है, उस दरवाजे को वो अपने साथ लेकर आए और उस दुर्ग, इस लोहागढ़ दुर्ग के ऊपर उस अष्ट धातु दरवाजे को उन्होंने निर्मित करवाया था। तो इस प्रकार से लोहा पोल या अष्ट धातु जो दरवाजा है वो कहां लगा हुआ है, वो लगा हुआ है आपके किस पर, लोहागढ़ दुर्ग के ऊपर। आगे देखिए, महाराजा रणजीत सिंह ने लॉर्ड लेक को युद्ध में हराकर फतेह है बुर्ज का निर्माण करवाया। अतः इस दुर्ग को अजय दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। महाराजा रणजीत सिंह के द्वारा एक अंग्रेज अधिकारी था लॉर्ड लेक, उस लॉर्ड लेक की जो सेना थी उसको युद्ध में पराजित किया, इसीलिए इसको अजय दुर्ग के नाम से जाना जाता है। अतः ये जो दुर्ग है, इस दुर्ग के चारों ओर खाई बनी हुई है और इस खाई के अंदर जो पानी आता है वो पानी आता है सुजान गंगा नहर का। इस दुर्ग के चारों ओर खुदी हुई खाई के अंदर पानी एकत्रित होता है। तो ये था आपके लोहागढ़ दुर्ग। आज के जो दो दुर्ग है वो आपके कंप्लीट हुए। कल हम और दो दुर्गों के बारे में जानकारी करेंगे।